तो फ्रेंड्स, टुडे वी विल कवर दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट इन द केस ऑफ भारती एयरटेल लिमिटेड। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपका कोई जीएसटी से पहले सर्विस टैक्स का या वैट का क्रेडिट पड़ा हुआ है और उसे आपने अभी तक कैरी फॉरवर्ड नहीं किया तो वो आप कर सकते हो टिल 30th जून 2020। वो क्या कंडीशंस हैं, वो वीडियो आई बटन पे लिंक कर दूंगा, आप जाके देख सकते हो फॉर द केस ऑफ रिलायंस इलेक्ट्रिक। तो आज की जजमेंट का कंक्लूजन क्या है कि आपको हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि आप जीएसटी 3B को रिवाइज कर सकते हो। इशू क्या था, भारतीय एयरटेल ने आईटीसी क्लेम नहीं किया था फॉर पीरियड जुलाई टू सितंबर 17। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हाँ हमें रिवीजन के लिए अलाउ किया जाए, बट डिपार्टमेंट ने मना कर दिया कि जीएसटी 3B की कोई रिवीजन एज पर लॉ अलाउड नहीं है। तो अब फैक्ट्स क्या है कि जिसके बेसिस पर हाईकोर्ट ने अलाउ किया रिवीजन के लिए। तो जब गाइस जीएसटी आया तो क्या फॉर्म्स डिसाइड हुए थे कि आप सेल्स को रिपोर्ट करोगे जीएसटी 1 में, आईटीसी को रिपोर्ट करोगे जीएसटी 2 में, जीएसटी 3 में एक फाइनल रिटर्न जाएगी जिससे आपका सारा डाटा रिकनसाइल होगा और फाइनल पेमेंट हो जाएगी। बट जीएसटी 2 और जीएसटी 3 तो अभी तक ऑपरेशनलाइज नहीं हुए, तो एक समरी रिटर्न को इंट्रोड्यूस किया था जीएसटी 3B, और इसको एक जीएसटी रिटर्न भी बोल दिया था बाय चेंजिंग इन रूल्स, और रेट्रोस्पेक्टिवली उसका इफेक्ट कर दिया था 1 जुलाई 2017 से। फिर गाइस जीएसटी में एक सर्कुलर इशू हुआ था 1 सितंबर को, सर्कुलर नंबर 7। ये सर्कुलर क्या बात करता था, दैट वेयर द एलिजिबल आईटीसी रिकॉर्डेड इन जीएसटी 3B इज लेस देन द आईटीसी शोन इन जीएसटी 2, देन द आईटीसी विल बी करेक्टली रिफ्लेक्टेड इन द जीएसटी 3 ऑफ दैट वेरी मंथ। अब ये सब कैसे होगा, बिकॉज इस सर्कुलर को इशू करने का पर्पज था कि जीएसटी 2 और जीएसटी 3 जब आ जाएंगी तो सिस्टम बेस्ड ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन होगी, और अगर आपने कोई कम आईटीसी क्लेम किया होगा 3B में तो उसका इफेक्ट ले लिया जाएगा जीएसटी 3 में और आपकी पेमेंट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी। बट फॉर्म्स तो ऑपरेशनलाइज नहीं हुए, तो फिर जीएसटी में एक सर्कुलर इशू किया 29 दिसंबर को, और इस सर्कुलर को सर्कुलर नंबर 7 को होल्ड पे कर दिया बिकॉज ये दोनों फॉर्म ऑपरेशनलाइज नहीं हुए थे। तो गाइज आप कहोगे कि टैक्स पेयर ने कैसे गलती की आईटीसी क्लेम करने में, तो क्या उसने जीएसटी 2A को नहीं चेक किया था? तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया, अभी बात हो रही है पीरियड जुलाई 17 से सितंबर 17, तो इस टाइम पर कोई जीएसटी 2A नहीं था, जीएसटी 2A आया था अराउंड अक्टूबर 18। तो तब जाके टैक्स पेयर को पता लगा था कि उसका आईटीसी कितना पड़ा हुआ है फॉर पास्ट पीरियड, और उसे पता लगा कि उसने आईटीसी को अंडर रिपोर्ट किया और उसने एक्सेस पेमेंट किया कैश में 923 करोड़। तो फिर गाइज हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट से पूछा कि बताओ हम जीएसटी 3B की रिवीजन क्यों अलाउ ना करें, ये तो गवर्नमेंट का ही फॉल्ट है, उन्होंने अगर सर्कुलर नंबर 7 को होल्ड पर किया है, रीजन बीइंग कि फॉर्म जीएसटी 2 और जीएसटी 3 जो एक स्टैट्यूटरी फॉर्म है वो ऑपरेशनलाइज नहीं हुए हैं तो सिस्टम बेस्ड वेरिफिकेशन नहीं हो रही है। सो ऑन दैट बेसिस क्या डिसीजन लिया गया कि टैक्स पेयर को अलाउ किया जाए कि वो अपनी जुलाई 17 से लेकर सितंबर 17 की जीएसटी 3B को रिवाइज कर सकता है, मतलब रेक्टिफाई कर सकता है, और अगर कोई उसका आईटीसी क्लेम में दिक्कत थी तो वो उसे ठीक कर सकता है। और डिपार्टमेंट को साफ साफ बोल दिया है कि विद इन 2 वीक्स वो इस क्लेम को वेरीफाई करेगा और इसका इफेक्ट देगा रिटर्न में। सो गाइज अगर इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।